तुम भी डरो। सर, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ओह, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट। वाकई बहुत खूबसूरत बॉक्स है, लवली गिफ्ट, थैंक यू। सर, गिफ्ट ये नहीं है, रियल गिफ्ट इसके अंदर है। ओह रियली, दैट्स नाइस। ठीक है, मैं इसे बाद में देखूंगा, पहले क्लास शुरू करते हैं। नहीं सर, एक बार खोल के तो देखिए। एक्चुअली हम सब काफी एक्साइटेड है आपका रिएक्शन देखने। यस सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। ओके ओके ओके। Wow, what a piece of art. Beautiful. Sorry to say this, sir, but this mask is looking really funny. वो तो सुहानी ने जिद करके ले लिया, but ये बहुत ही ugly mask है, कहीं से piece of art नहीं लगता। हम ओके। सुहानी चलो। आई लव द क्लास टुडे, आई नो इट्स सो मच फन। वैसे निरंजन सर हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक उन्होंने इस अगली मास को वर्क ऑफ आर्ट नहीं कहा था। शट अप राधिका, तुम बहुत मीन हो यार। ए, मुझे अर्जेंट कॉल आ रहा है। आई विल सी यू आउटसाइड। ओके, आई विल सी यू इन 2 मिनट्स। ओके, बाय बाय। ये राधिका क्यों नहीं आई? राधिका क्या कर रही है ये अंदर? राधिका यार,
दिया? मैं नहीं तेरे हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। पर तुम इस वक्त यहाँ पर, तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। होना तो चाहिए था पापा, पर आपको पता है ना, अगर मैं मम्मी से पूछती तो वो मुझे यहाँ कभी नहीं आने देती, तो बस स्कूल बंक मार दिया। That's not nice, बेटा। स्कूल बंक करना अच्छी बात नहीं होती। आप मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो, तुमसे बढ़कर दुनिया में मेरे लिए और कोई नहीं। तो अच्छा लगा आपको अपना बर्थडे गिफ्ट? Of course, इससे यह गिफ्ट हो ही नहीं सकता। ओके, अभी गिफ्ट भी मिल गया, तो अभी पार्टी तो देनी पड़ेगी आपको। चलो डन, मैं जल्दी से जूते पहन के आता हूँ, ठीक है? तुम तो वेट करो, मैं पहुंचता हूँ। वाओ, कितना प्रिटी बॉक्स है ये। कितनी बार समझाया तुम्हें, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने और ना ही उस स्कूल ने जो तुम बक करती रहती हो, बेवकूफ। ऐसा क्या किया है मैंने जो आप मुझे गिरा के डांट रहे हो? आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो मैं नहीं देख सकती? चुप, बिल्कुल चुप। अब कोई सवाल जवाब नहीं। बेटा बेटा, आई एम रियली सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। देव बेटा, पापा ने कहा ना, आई एम रियली सॉरी, गुस्सा आ गया था मुझे। मैं पर पापा, आपने मुझे से कभी नहीं डांटा। मैं जानता हूँ बेटा, पापा सॉरी। लेकिन ऐसा क्या है इस बॉक्स में जिसको लेकर आपको इतना गुस्सा आ गया था? दियो, है कुछ, है कुछ ऐसा जो मैं नहीं चाहता कि तुम देखो। और बस इस बारे में और सवाल नहीं। मैंने तुम्हें सिखाया है ना, दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एनीवेज, तुम आज मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई प्रॉमिस अब हम रेगुलरली मिलेंगे। ओके, ओके, बाय पापा। बाय बेटा, सी यू सून। Good morning, everyone. Morning, sir. Morning, sir. Settle down, please. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, मास्क बनाने का आर्ट, यानी नकाब बनाने की कला। बट सर, आज तो आप ब्रश स्ट्रोक की टेक्निक सिखाने वाले थे। तो क्या हुआ, मैं अपना प्लान बदल नहीं सकता? मूड चेंज हो गया मेरा। क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे चेहरे पे तो कोई नकाब नहीं है। वैसे हर चेहरे के पीछे एक नकाब होता है और हर नकाब के पीछे एक चेहरा, जिसे लोग अपने गुनाहों और गलतियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की सच्चाई जाननी हो तो उसे मास्क पहना देना चाहिए। नकाब बनाना भी एक कला है और उसे निभाना भी।
उनसे अभी बात करें। सुमन अभी मेरी क्लास चल रही है। Listen, I don't care कि तुम्हारी कोई क्लासेस चल रही है यहाँ पे। Guys, this is my wife. As you can see, she is very angry. Excuse me? मैं गुस्से में जरूर हूँ लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग करने आई। आज के बाद अगर तुम दिया के आसपास भी दिखाई दिए, तो you'll get arrested. उसके बाद क्लास करते रहना अपनी जेल में। This is my last warning to you. दिया और मुझसे दूर रहो। और हाँ, अगली बार मैं नहीं आऊंगी, पुलिस आएगी। Just remember that.